हाँ जी भाई, लाइन हो गई सबकी, हैं? रेडी? शुरू करें फिर? जी सर। आ जाओ भाई, चल भाई। स्किप दे दीजिए। लाइए। तो सर, हैजल से शुरू करते सर। हाँ। आप आ जाइए। बिल्कुल फील के साथ, हैं? एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं, एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के हजार वार से ज्यादा असरदार होते हैं। हमारा मकसद जुर्म खत्म करना है, मुजरिम नहीं। बस हो, बस, नेक्स्ट एक्शन। टोपा हो का बे, जब से देख रहे तब से चूरन गिरी फैला के रखे हो, रोड का तुम्हारा बाप का है। बस बस, आप आ जाइए, हैजल के लिए आइए। एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं, एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के हजार वार से कहीं ज्यादा असर देते हैं। जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो दिल नहीं, जिस सीने में जज्बात नहीं वो इंसान नहीं। हमारा मकसद है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त झटका, खूबसूरत, एकदम परफेक्ट, सुंदर, अति सुंदर सर, मैं तो कहता हूं। कर ले, तू ही कर ले फिल्म, हैं? सॉरी सर। ओ बेस्ट है जी, बेस्ट। क्या बात है ओए कुड़ी, यही चाहिए था, यही चाहिए था। ओए मिल गए साडी हैजल, मिल गए ओए। हमारा हो गया? ओ बिल्कुल फाइनल है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए ना लिख, अब आ रहा मजा। चलो भाई नेक्स्ट। आप आ जाइए कैरी के लिए। बिल्कुल ऐसी फील में करना है, ठीक है जी, एक्शन। अबे टोपा होगा बे, और ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो जुर्म करते फिर रहे हो? बता रहे निकल लो अभी के अभी यहाँ से, समझे ना? और दिमाग का ज्यादा हैंटेन किया ना, जो मार मारेंगे ना एक ही बात बोलोगे, दरोगा देखा तो बहुत लेकिन तुमसा नहीं, समझे? और सिलेक्ट हो, सिलेक्ट हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। और मिल गई साड़ी कैरी। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए ये साबित करना नामुमकिन हो जाएगा कि शंभू ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है। एक मिनट सर, क्यों आया? हमें तो मौका ही नहीं मिला। हो गया जी इलेक्शन, सिलेक्शन। और मैं भी तो वही बोलिया, और मिल गई जी हैजल द कैरी, खेल खत्म तो पैसा हजम। चलो जी ऑडिशन खत्म हो गया जी, और वैसे भी आपने तो ये रोल करना ही नहीं था जी, तो लो सुन ली ऊपर वाले ने आपकी, नहीं हुआ आपका इलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक है, देखो जी आप लोग तैयारी करो, मैं अगली फिल्म में काम करने जा रहा हूँ, अगली फिल्म में हॉरर बना रहा हूँ जी, है? और उसका नाम है टाइम द बदला। वो डैन से याद आया, तेरी भाभी का फोन है? सर नहीं आया सर। ये तो बल्ले बल्ले हो गया। चलो जी फिर। अबे टोपा हो कबे, कब से देख रहे हैं क्या चूरनगुरी मचा के रखे हो? डायरेक्टर हो तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का मौका मिल गया है तुमको? नाम रख लिया स्पीलबर्ग तो खुद को स्पीलबर्ग समझ रहे हो? कब से देख रहे हैं डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये चलेगा वो नहीं चलेगा? देखो मेहमान हो हमारे शहर में, इसलिए कछु बोल नहीं रहे हैं, वरना वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे बहुत पर तुमसा ना देखा। रिकॉर्ड किया है? किया सर। बेस्ट बेस्ट है जी, ओए यही तो है साड़ी कैरी, ओए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुसी तो पावर हाउस हो जी परफॉर्मेंस दा। ओए और मिल गई, ओए कैरी भी मिल गई, हैजल भी मिल गई, तू बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, ओए रेडी कर चल, और तुम दोनों जी आने वाले टाइम दी सुपरस्टार। थैंक यू, आ जाओ। ओए अरे हसीना जी आप, आप? अब जय हिंद सर। जय हिंद। आप काफी अलग लग रही हैं। मेरा मतलब है अच्छी लग रही हैं।
थैंक यू। दरअसल हम एक हम समझ सकते हैं आप जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। हम कुछ समझे नहीं। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने निजी जीवन में मूव ऑन कर रही हैं, सब कुछ भुलाकर एक नए जीवन का प्रारंभ करने का सोच रही हैं। और आपको ऐसा क्यों लगा? आपका ये काया पलट देखकर, इस रूप में आपको देखकर हमें यही ज्ञात हुआ है कि आप किसी के साथ डेट पे गए गई थी या जा रही हैं। अच्छा है, हम आपके लिए बहुत खुश हैं सीना जी। I'm glad कि आप खुश हैं सर, लेकिन हम किसी डेट पर नहीं गए थे। ये सब हमने एक केस के सिलसिले में पहना है, ये सब सिर्फ एक नाटक है। फिलहाल हम ड्यूटी पर हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हम ड्यूटी और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। अद्भुत अद्भुत, एक आप हैं जो अपने कर्तव्य और निजी जीवन को हमेशा अलग रखती हैं, और एक हम हैं जिन्होंने अपने फर्ज को भी अपना निजी जीवन बना दिया है। ये बात हमसे बेहतर और कौन जानता है सर? एनीवेज, आप यहाँ कैसे? थाने जा रहे थे रूटीन विजिट पर, गोलगप्पा देखा तो रुक गए। अच्छा अच्छा, आइए फिर। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, थाना प्रमुख आप हैं, आपसे मिल लिए तो समझिए कि रूटीन विजिट हो गई। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं सर, पास ही में है, हम चले जाएंगे। जय जय। हसीना जी, एक मिनट। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। हसीना जी, हम आपको गोद में नहीं उठा रहे, घबराइए मत। थैंक यू। ठीक है, लेकिन हमसे ये बकलोली नहीं होगा पुष्पा जी, ये आपको लगता है हम ये कर सकते हैं? इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है। हम बताते हैं आपको अभिनय कैसे करते हैं। हाँ? यार पुष्पा जी रहने दीजिए। देखिए तो सही। हेलो थान जी, हम हेजल बोल रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चिंटू चाट के यहाँ पे दही पापड़ी खाने आएंगे? बहुत ही स्वादिष्ट बनती है वहाँ की दही पापड़ी। चलेंगे ना? बस देखिए कितना आसान है। पहली सास इस दुनिया में हमने देखी होगी जो अपनी बहू को ये करने को कह रही है। मगर आप ऐसी पहली पुलिस वाली नहीं है जो ये सब करेंगे। और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बिल्लू के लिए ना, उसे नया घर। हाँ हाँ, करेंगे। आप कॉल लगाइए। स्पीकर पे डालते हैं। कौन है भाई? हेलो शंभू सर, हम हेजल बोल रहे हैं, आपसे मिलना था। आप मिलेंगे अकेले में? बिल्कुल नहीं है। मैनू सब पता है, तू मैनू फसान वास्ते फोन किता है। हैं? वो साइको तेरे नाल है ना वे? तेरे पास खड़ी स्पीकर विच साड़ी बातें सुन रही है।
कौन साइको? और मेरी वाइफ और कौन? और उससे बोल ये हथकंडे बहुत पुराने हो गए। सत्यानाश हो इसका। अब इससे नजदीकियां नहीं बढ़ेंगी तो कैसे मिलेगा कन्फेशन? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बस बढ़िया सर। सब रेडी? हाँ हाँ रेडी। चलो तो फिर शुरू हो जाओ। आ जाओ लाई ले वे। आ जाओ जल्दी आ जाओ। एफर्ट शुरू करें? जी। एक्शन। बस बहुत हो गई है जज्बातों की डुकडुकी हेजल मैडम, बहुत हो गया जज्बातों का तमाशा। ये जंगल राज है जुर्म की दुनिया, यहाँ सिर्फ जंगली आदमखोर जानवर पाए जाते हैं। इनके सामने जज्बात और प्यार का कोई फायदा नहीं है, इन्हें तो बस लात घूंसे मार के जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, यही है इनकी सही जगह। तजुर्बा कहता है हमारा, अक्सर हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। मुजरिमों को जंगली जानवर मानते मानते आपका हाल भी कुछ वैसा ही हो गया है एसआई साहिबा। जज्बात मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलते हैं, अगर किसी का दर्द दूर करना है तो उसे अपने अंदर ढूंढिए। ओ कैडेट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, छागी ओए छागी, क्या बात है। रिकॉर्ड कितना किया सर? और मेरे फोन विच कितना सर? सारी रिकॉर्डिंग आप ही के फोन पे करते हैं। और जिंदा रहे, ओए जिंदा रहे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो जी परफॉर्मेंस तो एकदम परफेक्ट है, हैं, पर फील थोड़ा कम है। वो देखो जी वो पुलिस वाला फील नहीं आ रहा। मैं कुछ कर दा सर। हां भाभी जी का फोन। जल्दी दे हुए ना, झेलना पड़ेगा इस घटिया आदमी को। मैडम सर कुछ सोचिए, कन्फेशन निकालने का जल्दी कुछ सोचिए। आपने एक बात नोटिस की करिश्मा सिंह? क्या? कल जब हमने खराब ऑडिशन किया था तब भी उसने अपने असिस्टेंट से उसे फोन पर रिकॉर्ड करवाया था। आज हमने अच्छा परफॉर्म किया है, उसने उसे भी रिकॉर्ड करवाया है। तो इसका मतलब जो चीज उसे पसंद आती है या उसे लगता है कि वो उसके काम की है वो उसे रिकॉर्ड करवाता है। नहीं मतलब हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो हर चीज रिकॉर्ड करवाता है मतलब हो सकता है उसने बिल्लू का नरेशन रिकॉर्ड करवाया हो। देखो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये स्क्रिप्ट उसकी नहीं है, बिल्लू की है। बात आपकी सही है मैडम सर, लेकिन इसके लिए हमें शंभू का फोन चाहिए होगा ना। और मिल गया, मिल गया, मिल गया, मैंने जवाब मिल गया ए! कि परफॉर्मेंस विच फील क्यों नहीं आ रहा है। देखो लोकेशन द प्रॉब्लम है और कहानी पुलिस वाली होती है, हैं? तो लोकेशन भी पुलिस थाना होनी चाहिए ना। और कोई नहीं होए, बुलबुल पांडे नु फोन मिलाते हैं। सही है? और यार है साडा रिहर्सल के लिए मना थोड़ी करेगा। हो ही नहीं सकता। अगर बुलबुल पांडे के थाने में गया तो वो हम दोनों को पहचान लेगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, वो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, दरोगा जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे अब हम जानते हैं, वो एक महिला पुलिस थाना ना हमारे यहाँ, वो हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, वहाँ पे आप समझिए कि हमारा ही थाना है। मतलब हम जानते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से जान पहचान है ना, तो हमें कॉल करेंगे ना वो रिहर्सल के लिए मान जाएंगे, आप वहीं रिहर्सल करते हैं। ओ महिला और पुरुष हमें तो थाने से मतलब है जी, तो ठीक है फिर आगे दी रिहर्सल फुल फील विच महिला थाने विच होगी। आई आई। तो है महिला थाना। जी जी यही है। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे? बस बस ठीक ठीक, हम भी बहुत बढ़िया हैं। बताइए कहाँ थी आप इतने दिनों तक? वो नेपाली मूवी कर रहे थे हम, तो हम उसमें थोड़ा बिजी थे, फिर ऑडिशन वॉडिशन। अच्छा अच्छा, तो आज कैसे आना हुआ बताइए? वो बताया था ना, ये है मशहूर डायरेक्टर शंभू स्पीलबर्ग। ओ जी हेलो। और ये है उनके असिस्टेंट कैलाश। नमस्ते नमस्ते। ये है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। ये है संतोष शर्मा। SHO? नहीं नहीं, ये भी कांस्टेबल है। तो फिर SHO से मिलवाओ ना भाई, परमिशन तो ओदी चाहिए है भाई। वो कितने जी आपकी SHO? आपके सामने तो ये रही। अरे
बर्गर सर, बर्गर सर, पील बर्गर, पील बॉल सर, ठीक है ठीक है, बर्गर सर, बर्गर सर। इनके कहने का मतलब कि ये रही एसएचओ, ये जो खड़ी है ना, इन्हीं को पता है कि हमारी एसएचओ मैडम कहाँ गई है और वही बताएंगे कि हमारी एसएचओ मैडम कहाँ है। अगर बोला तो इन्होंने इनकी तरफ देख के, उनकी आंखों में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, कसम से। वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला जो दिक्कत है ना, वही है। देखती कहीं और है, बतियाती कहीं और है, कसम से। देखिए देखिए, अभी भी वो आपकी तरफ नहीं देख रही हैं, हम लोग में से किसी की तरफ नहीं देख रही हैं, लेकिन बतिया आप ही से रही हैं। अभी आपसे सवाल पूछेंगी वो, देखिएगा। 3, 2, 1 पूछिए। चाय पियेंगी सर? बताइए, जवाब दीजिए सर। पुलिस है? लखनऊ की इकलौती शार्प शूटर है। देखती कहीं और है, लेकिन निशाना एकदम सही जगह पे मारती है। बच गए। ओ, पर इन्होंने पेट क्यों पकड़ रखा है? पेट गड़बड़ है। वो क्या हुआ ना, सुबह सुबह फटे दूध की चाय पी थी, इसीलिए पेट थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है। तुसी स्कूल में नाटक किता? देखा देखा चीते, ये होती है निर्देशक की नजर। अरे सर, हमें तो हमारी तीसरी कक्षा के संवाद भी अभी तक याद है। सुनाएं आपको? एक मिनट, सुनाते हैं। वो है की है? कटी पतंग। लहराता पेड़। वो रहन दो जी, रहन दो। पुष्पा जी यहाँ आइए, आ जाइए। आ गए आ गए। वो कोई मैनू बताएगा इस थाने दी एसएचओ किथे है? जी वो बहुत जरूरी काम से बाहर गई है, बस आती ही होगी। हेलो जी, हुण की? सर एसआई से बात कर लेते हैं ना। ओ हां, तो फिर एसआई नु मिलवाओ भाई। किथे है तुम्हारी एसआई? वो भी किसी काम से बाहर गई है। हां हां, वो ना हमारी एसआई मैडम जो है ना, वो हेड क्वार्टर गई है। और वैसे भी उनका होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी एसएचओ मैडम जो है ना, वो उनसे ज्यादा तो हमें मानती है। तो आपको अनुमति ही चाहिए ना रिहर्सल के लिए, तो हम दे देंगे आपको। हाँ। तो बोलो बल्ले बल्ले ओए। बल्ले बल्ले। बल्ले। ठीक है, तो आप जाइए ना, हमारा थाना दिखाइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए चलिए कम करो, थोड़ा कम करो। चलिए चलिए सीधा सीधा। ये देखिए, ये है हमारी, ये है हमारी एसएचओ मैडम जो है ना, उनका कैबिन। अच्छा है ना? बढ़िया है जी, बढ़िया। तो इतने ऑफिस वाला सीन कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं ना। परफेक्ट होगा सर। संतोष शर्मा, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी मैम। संतोष जी अपना डायरेक्टर जा चुका है, अपना आप हमको ना डायरेक्ट देख सकती हैं। सॉरी सर, आप संतोष शर्मा हैं? तो बात ध्यान से सुनिए। देखिए, उस शंभू स्पीलबर्ग के फोन में एक ऐसा क्लिप हो सकता है जिससे ये बात साबित हो जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, और उस क्लिप तक हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं और अलर्ट रहना है हमको, ठीक है? समझ गए? जी जी जी, क्लियर 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 जी। थैंक गॉड। अरे हेजल कैरी जी, आइए सर बुला रहे हैं। जी आए 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 सर। जी सर। हाँ। वो तो ठीक है, पर बहुत छोटा है, है? हाँ सर, छोटा है। रिहर्सल बाहर ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, हॉल में करते हैं। चलो तो फिर। जी सर, आए सर। देखो जी, सीन ऐसा है, ऐ पुलिस थाना है, ठीक है? तो ऐ है चोर। सर मैं? और क्या तेरा पियो? और आपने ना इसका इंटरोगेशन करना है सर। इंट्रोगेशन?
मैं भी वही बोलिया इंटरोगेशन। ठीक है जी हेजल, तो तुसी इत्थे आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। कैरी आपसे शुरू करते हैं। आ जाओ उसे? हाँ हाँ आ जाओ, छेती कर, बैठ जा बैठ जा। चलो जी शुरू, एकदम कैरी वाला एटीट्यूड। ठीक है जी एक्शन। देखिए चुपचाप बता दीजिए कि चोरी का माल कहाँ रखा है। देखिए कोई माँ के पेट से चोर बनकर नहीं आता, जिंदगी और मजबूरी उसे ऐसा बना देती है। और कट और कट कट आती है। और तुसी कैरी हो कैरी, और कैरी वाला एटीट्यूड रखो ना, कड़क एकदम। ठीक है और फिर से करते हैं, कमान है। चलो चल। ओ ऐ कितने की ओ कैरी हो है? वेरी गुड है। बता सच वरना वो मार मारेंगे कि दर्द कहाँ से उठ रहा है समझ नहीं पाओगे। सच बताओ कि माल कहाँ रखा है चोरी का, वरना इतनी हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी कि ये पूरा जन्म सिर्फ उसे जोड़ने में निकल जाएगा। बल्ले 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 बहुत सही, बढ़िया बढ़िया। यही एटीट्यूड रखना, यही सूरत है, हटना नहीं है, हट के रहना। करिश्मा मैडम और हसीना मैडम वो शंभू और उसके असिस्टेंट को बिजी रख रहे हैं, तब तक हमें शंभू के फोन तक पहुंचना है। चलो जी तो अब होगी कुछ डांस दी रिहर्सल है, ये आपनू बताएगा। आ जाओ जय हिंद जय हिंद। ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट का जोड़ी यहाँ क्या कर रहा है? सर ये छोटा सा नन्ना सा भालू है ना, हम इसके दोस्त हैं। चलो इधर आओ, सर दूर रहो दूर रहो। आप इसकी बहुत कुटाई कर रहे हैं थाने में, तो सोचा आपकी एनर्जी में कमी ना हो तो पकड़ो चाय लाए। पकड़ता नहीं मैं कुछ नहीं पकड़ता। बदनाम चाय लेकर आया हूँ, एक बार चाय पीजिए सर, करंट लगेगा। मुखोर हमारा मतलब है सर, हम होते अगर मुफ्त में खाते तो आप हमको मुफ्तखोर ही बोलते ना। सर 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 वो जो छोटा सा भालू उसको एक पकौड़े खिला दो प्लीज। हाँ सर तो आ जा, गरीब है गरीब है। बिल्लू भाई तुम्हारे लिए पकौड़े लाया हूँ। पकौड़े पकौड़े और वो भी धोखे की कोड़े देकर अभी पकौड़े खिलाने आया हो यहाँ। बिल्ले 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 सुन, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम तुझे यहाँ से निकालने का जमीन आसमान एक कर दिया उन्होंने। बड़ा ही खुश नजर आ रहा है अचानक से, ना ही दोनों कबूतर का दाना डाल दिए जो इतना चहक रहा है ससुरा। नहीं सर हम तो बस ऐसे थोड़ा सा उम्मीद का दिया जला रहे थे तो। कौन फायदा नहीं है, बुलबुल पांडे का थाने का जो हवा है ना वो इतना तेज है कि कौन दिया ज्यादा देर टिकता नहीं। चल फेंकू। हमारा मतलब है सर कि आपका हवा इतना तेज है कि चाय ठंडा गया है, फेंक दे सर। तो सर सर हम चलते हैं चलते हैं। थैंक यू सर 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 चलते हैं। पढ़ना निकला निकला निकला। चाय कैसी है, टेस्टी है ना? ससुरा कौन खिचड़ी तो पक रहा है, पता लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही करती रहिए। कट 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 कट। ओ की कट कट, वो डायरेक्टर कौन है थे? आप सर। तो फिर कट कौन बोलेगा? आप सर। तो मैडम बोलने दो ठीक है, और आप कंटिन्यू करो और मैडम नु माफी मांगते रहना। जी सर। माफ कर दो हमें हेजल, हेजल हमें माफ कर दो। अभी हम माफ नहीं कर सकते आपको। क्यों माफ नहीं कर सकते? वो रिहर्सल चल रही है ना सर, आप भी क्या, अब बीच में फोन आएगा तो ये दोनों अपने काम पे ध्यान कैसे दे पाएंगे, इसलिए फोन नहीं। हाँ हाँ सर ठीक है,
ठीक है, कंटिन्यू करो। हमें माफ कर दीजिए हेजल, माफ कर दो हमें हेजल, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ, हमने आपको माफ कर दिया, हमने आपको माफ कर दिया। अरे ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे माफ कर दिया? अभी तो बहुत सारा गिल्ट बचा है हमारे अंदर। तो आप और उठक बैठक लगाइए, कम से कम 100 लगाइए, लगाइए लगाइए लगाइए। हमें माफ कर दीजिए हेजल। आई संतोष जी, टाटा क्यों बोलिए, आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी प्यारी हैं। धन्यवाद। आप हर काम जज्बात से करती हैं। हेजल, कट 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 ओए कट, एक मिनट रुको। ए का क्या हुआ, फोन कहाँ गया मेरा? क्या हुआ सर? ओ माता जी, तुसी फोन देखा मेरा, बात करके अथी रखा सी मैं, यही कही होगा मतलब यही कही होगा ना। ओके, तो चोरी तो नहीं हो गया? आए, ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखिए तो, ये पुलिस थाना है, यहाँ चोरी की रिपोर्ट लिखाने आते हैं लोग, यहाँ चोरी नहीं की जाती। हाँ आप समझ नहीं रही हो, वो फोन नहीं आएगा, वो तोता है जिस विच मेरी जान बसती है। वो मेरी बीवी ने फोन किया और मैंने फोन नहीं उठाया ना, तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने थे। हाँ, तो जानी मेरी यही। हम समझ सकते हैं। लाश की कर रहा है, ढूंढ मेरा फोन। जीते, फाइल ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं काम करती हूँ, फोन का पूरा फंक्शन क्लोन कर लेती हूँ और लैपटॉप से तो ऑपरेट हो ही जाएगा। तो ये काम करिए, फोन जाके वापस टेबल पे रख दे, वरना अगर ज्यादा देर तक शंभू से फोन दूर आना तो उसे शक हो जाएगा। सही बोल रही संतोष जी, एकदम सही बोल रही, फटाफट कर दीजिए। हाँ सर, मिल गया मिल गया। हाँ? हाँ? ओ सॉरी, ये तो हमारा फोन है। ओहो, ओए कहाँ देख रहा हूँ, फोन मिला। ये ले। सर क्या ये देखिए, यहीं पर गिरा हुआ था फोन आपका, आप सबके छाती पर चढ़ के नाच दिए। हो रहा है ना सब संतोष जी? हाँ। बहुत पछतावा है हमें सर। हेजल नहीं, अभी और उठक बैठक लगाइए। जी। अरे जाहिल आदमी, जब कोई फोन नहीं उठा रहा है तो काहे बार बार लगा रहा है, काहे उंगली कर रहा है? हम सर, हम अपने आप को बोल रहे थे, आप लगाइए ना, लगाइए लगाइए लगाइए। बुलबुल क्यों फोन कर रहे हैं? रिहर्सल चल रही है सर। रुको ए। अरे सर। हेलो। अरे महाराज कहाँ है आप, कब से आपको फोन ट्राई कर रहे, उठा कहा नहीं रहे, है कहाँ भाई? अरे ऐसे ही है भाई, महिला थाना लखनऊ विच है। अरे आप वहाँ कहाँ पहुँच गए, बहुत ही चंड है वो महिला पुलिस थाने की टीम। अरे वो बिल्लू जो है उनका खास आदमी है, एकदम फैमिली मेंबर जैसा। उसे बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। निकलिए निकलिए वहां से। तो ठीक है वे। एक मिनट। अच्छा हमें एक बात बताइए, आपके पास कोनो ऐसा सबूत तो नहीं है ना कि जिससे ये साबित हो जाए कि जो फिल्म आप बना रहे हैं उसका जो कहानी है वो बिल्लू ने लिखी है, आपने नहीं? वो है तो सही। वो मेरे फोन विच एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो मैनू नरेशन दे रहा है। सत्यानाश, वो जल्द से जल्द क्लिप डिलीट कीजिए और निकलिए यहां से। करता हूं, करता हूं।
संतू जी पैकअप है। हाँ वो आज का पैकअप है, हो गई रही है सर। अभी बाकी है, अभी थोड़ा बाकी है। आप संतोष हुआ? ओके चलिए जाइए जल्दी। नहीं 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 मैडम सर, अब मुझसे नहीं होगा, झूठ बोलना तो पाप होता है ना। संतोष शर्मा आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, आपको कोई चोरी नहीं करनी है, आपको वहाँ जाकर बस ये डब्बा वहाँ खाली कर देना है, दैट्स इट। नहीं बात एक ही हुआ मैडम सर, वैसे हमारे पास और कोई ऑप्शन है? बिल्लू को निर्दोष साबित करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। एक चोर को बचाने के लिए आज खुद चोर बनना पड़ रहा है। बिल्लू चंपत तुम आओ वापस थाने में, तुम्हारे साथ एक नया एक्शन थ्रिलर बनाएंगे हम। अगर बिल्लू का नरेशन वाला वीडियो डिलीट नहीं हुआ होता ना तो ये केस हम अब तक सॉल्व कर चुके होते, लेकिन अब हमारे पास यही एक तरीका है उसे निर्दोष साबित करने का, इसलिए प्लीज जाइए जल्दी काम खत्म करके आइए जी। जाइए जाइए, हो जाएगा जाइए, ऑल द बेस्ट। ये कमल की गुड, ये तो हो गया मैडम सर। अब आगे, अब बिल्लू के पास एक मैसेज पहुंचाना है। चलिए हम कह रहे थे तुमसे, तुम समझ नहीं। खबरदार, जो भागने का कोशिश किया है तो भून के रख देंगे तो कहां। अरे खाली है तेरे भेजे की तरह। ऐसा आप कहते सर, अगर हम होते तो क्या है ना, रात में बंदूक की सफाई किए थे और गोली आपके टेबल के दराज में रखी है, ला दूं क्या? ससुरा कभी मरवा दोगे हमको? काश ऐसा कभी ना हो सर, कभी ना हो। अरे कहां गए थे ससुरा, यहां बाहर बैठा है। सर सुबह का काम था सर। और तू यहां बाहर कैसे आया? बुलबुल पांडे, अभी तो इसको हटाओ, ये खाली है। पांडे जी, पांडे जी, इमोशन प्रमोशन और लूज मोशन किसी के रोके रुक नहीं सकता। और आई एम बिल्लू द स्पाई, बिना मेरी मर्जी के कोई भी जेल मुझे रोक नहीं सकता। देखो, तुम देखो, इसी दरवाजे से हमारी मैडम सर आएगी। गया क्या? और मुझे यहां से लेके जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ टिका हूँ, वरना कब का फिर हो चुका होता। हट, खड़ा, अंदर डाल इसको। अरे सर 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 सर, प्लीज प्लीज, नहीं सर सर सर, तुम्हारी मैडम सर कुछ नहीं कर सकती, कोई सबूत नहीं मिलने वाला उसे, उस डायरेक्टर के खिलाफ, समझे? कहाँ है बिल्लू? जय सर, माँ, बिल्लू, माँ, बिल्लू मेरे नाथ। संभालो संभालो अपने आप, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत। मैडम सर कुछ कर रही है? नहीं बेटा नहीं, उन्हें माफ कर दे, वो कुछ नहीं कर पाई। अभी भी कुछ नहीं किया, उनके हाथ जो सबूत लगे थे वो भी डिलीट हो गए। हाँ बेटा, नहीं नहीं, माफ कर दे बेटा, इस अभागन माँ को माफ कर दे, इस अभागन माँ को माफ कर दे। इसलिए माफ कर रहा हूँ। पुष्पा जी, पुष्पा जी, बिलोटे बिलोटे, ख्याल रखना। सर मुझे छोड़ दो सर, ये क्या है, मुझे छोड़ दो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत हाँक रहे थे ना, कोई पुलिस स्टेशन हमें रोक नहीं सकती। सर इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो। तुमको हम इग्नोर कर रहे हैं। सर सर प्लीज सर, तुम तू हटो प्लीज, हटाओ। बुलबुल पांडे, तुम क्या मुझे बांध के रखोगे? बांधेगी तो मैडम सर और करिश्मा मैडम तुम्हारा पुलिंदा,
फिर तुम खुद मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, देखना। आजा जी, आज तो हम लोग ना की है वे, वो साड़ी स्क्रिप्ट है, वो है की वो लाश सर कैलाश, वो तेनु ना दी पड़ी है, मेरा करियर टुकड़े टुकड़े हो गया है, वो ये किसने किया है सर? चूहों की करतूत लग रही है। चूहे? वो चूहे कहाँ से आ गए यहाँ? बेड़ा गर्क हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया है। सर सर बैठ, वो मेरी स्क्रिप्ट है सर। रिलैक्स रिलैक्स सर, देखिए आपके फोन में इसकी सॉफ्ट कॉपी है ना, प्रिंट निकालेंगे, प्रॉब्लम क्या है सर? वही तो प्रॉब्लम है वे, इसकी कॉपी नहीं है मेरे फोन में। संतोष शर्मा, क्या आप अभी शंभू के फोन को एक्सेस कर सकती हैं? हाँ मैडम। ग्रेट, तो एक काम करिए, उसके फोन में बिल्लू की जो स्क्रिप्ट है वो हमें मेल कर दीजिए, उसके पास उस स्क्रिप्ट की जितनी भी कॉपीज है वो सब डिलीट कर दीजिए, एक भी कॉपी नहीं बचनी चाहिए, और उसके पास वापस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। होगा? हो जाएगा। कुछ नहीं बचा, बिना स्क्रिप्ट की पिक्चर कैसे बनेगी सर? वो ये पिक्चर नहीं बनी तो बेड़ा गर्क हो जाना है मेरा, वो मैं एडवांस ले चुका हूँ फाइनेंसर से, वो पिक्चर अनाउंस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, वो ये पिक्चर रुक गई ना तो मेरे पूरे करियर विच फुल स्टॉप लग जाना है। वो कुछ कर, वो लाश कुछ कर, मैनू स्क्रिप्ट चाहिए, ये स्क्रिप्ट चाहिए मैनू, ला कहीं से भी। सर मैं कहाँ से लाऊं स्क्रिप्ट? कॉपी है ना सर, स्क्रिप्ट की कॉपी है। और कित्थे है? आपके दिमाग में, ये स्क्रिप्ट आप ही ने लिखी है ना खुद, ओरिजिनल, तो फिर दुनिया की सारी कॉपीज डिलीट क्यों ना हो जाए, एक कॉपी आपके दिमाग में तो हमेशा रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं, लिख दीजिए फिर से। मैं लिखूंगा ये स्क्रिप्ट है। प्रभु महाप्रभु, आइए आइए, धन भाग हमारे, जो आप जैसे महान निर्देशक हमारे थाने में आए। निकालो। किसे निकालो? दिमाग का कचरा। उसके दिमाग का कचरा सर, उसके दिमाग का कचरा। ओ इस राइटर नु बाहर निकालो, पांडे जी छेती करो। इसे क्यों? और क्योंकि मैंने इससे फिल्म दी स्क्रिप्ट सुननी है। अरे पहले पहले वाली तो बना लो। अरे पहले वाली सुननी है भाई। फिर से? हाँ फिर से। ओ लाश बताए। लाश और ठीक है वह, बताया नु क्यों सुननी है स्क्रिप्ट? भाई देखो बात ऐसी है कि फिल्म की स्क्रिप्ट को खा गए चूहे, और सर के पास इसका दूसरा कॉपी तो है नहीं, तो फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं तो फिल्म कैसे बनेगी, इसीलिए सर को बिल्लू राइटर से दोबारा स्क्रिप्ट सुननी है ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके और स्क्रिप्ट रेडी कर सके। आया समझ? फटाफट शुरू हो जाओ चल। एक मिनट एक मिनट, क्या कर रही है? अब मैं चेक कर रहा था कि कुछ कैमरा वैमरा तो फिक्स नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो नहीं कर रही है। पूछिए पूछिए, आप पूछिए, बैठिए आइए। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। क्या शुरू करना है? और तुझे याद है तू साडे ऑफिस में आया था, कहानी सुनाई थी तूने। साडे ऑफिस कहाँ ही? ओए कहानी, ओए कहानी। कहानी किसकी? कहानी और तेरी खुद की कहानी, कैरी और हेजल वाली, जिसपे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ मैं कहानी लिखता हूँ। याद नहीं है तुझे? नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। ओए तू अपनी लिखी कहानी कैसे भूल सकता है? हम याद दिला देते हैं। आप लोग यहाँ का कर रहे हैं? वो तुसी इन दोनों जानते हो? अरे हमारा छोड़िए, आप कैसे जानते हैं इन्हें? नहीं वो अहम बात नहीं है कि वो हमें जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं, हम उनका स्क्रिप्ट जानते हैं विस्तार से पूरे संवाद के साथ, ये अहम बात है अभी। क्यों सर? तो सर शुरू करें? शुरू करें? अरे क्या कर रहे शंभू जी, दोनों पुलिस वालियां हैं। ओ पता है मैनू, मैंने ही बनाया है। क्या कहा आपने बनाया? इतनी पहुंच है आपकी? हाँ भाई शुरू करो। तो एक फिल्म के फिल्मी हीरो ने कहा कि वो करिश्मा सिंह से एक्शन सीखना चाहता है, फिर नकली की जगह असली गुंडों को भेजकर करिश्मा सिंह को सच में पिटवाने लगता है और करिश्मा सिंह नीचे गिर जाती है। तभी हसीना मलिक वहां आती है और गुंडे को एक जोर का पंच मारती है और कहती है कि जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते, इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता। और फिर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक साथ में मिलकर उस गुंडे की पिटाई करते हैं।
क्यों सर, यही है ना? ओ कमाल है ओए, ओ कमाल है, ओ यही तो है, यही तो है साड़ी स्क्रिप्ट ओए, ओए बिल्कुल यही डायलॉग थे जी, डिट्टो। बस एक गलती है, करेक्टर दे ना गलत है, हसीना मलिक ते करिश्मा सिंह नहीं, ओ हैजल ते कैरी होंगी साड़ी हीरोइन। कोई नहीं, वो तो मैं कर लूंगा ओए। पर मैंने ये दसा कि ये पूरी स्क्रिप्ट तुम दोनों नु याद कैसे है? क्योंकि हम ही है SHO हसीना मलिक और हमें ऐसा है करिश्मा सिंह। शॉक के रिएक्शन है ये, यानी आप पहले से जानते नहीं थे कि दोनों पुलिस वालिया हैं, हैं? लेकिन आपने तो कहा कि आपने इन्हें बनाया। ओए बनाया तो है, पर वो तो फिल्म विच ना, और मेरी फिल्म की हीरोइन यही दोनों तो हैं। यानी कि आप आ गए इनके झांसे में, हैं? बना दिया इन्होंने आपको भी। मैंने पहले ही कहा था इन पुलिस वालियों से जरा दूर रहिएगा। ओ इतना बड़ा धोखा। धोखेबाज तो आप हैं समझे, जो दूसरों की मेहनत पर टाका डालकर उनके विश्वास के साथ खेलते थे। जैसे आपने बिल्लू का स्क्रिप्ट चुराया, उसके विश्वास के साथ खेला, तो धोखेबाज आप हुए। कौन कहता है कि इन्होंने ऐसा किया? क्या सबूत है बताइए। एक मिनट, इधर आइए। रुको, सर सर सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब ठीक हो जाएगा। लिख लेंगे लिख लेंगे, आ जाए। कहानी सुनाओ है, कहानी। कहानी किसकी कहानी? वो तेरी खुद की कहानी, कैरी और हैजल वाली, जिस पे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ, मिल गया सबूत। मुझे मालूम था सीता और गीता आएगी धरती का सीना चीर कर और मुझे यहाँ से वापस ले जाएगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारी करतूत खुद के मुंह से उगलवाने के लिए ये सब नाटक रचा था, प्लान था ये, यही सब बताने के लिए पुष्पा जी और चीता यहाँ कल आए थे। आपने बिल्लू की कहानी चुराई है, इस बात का सबूत है हमारे पास, जो बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। तजुर्बा कहता है हमारे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह होता है किसी की क्रिएटिविटी, किसी की मेहनत का क्रेडिट चुरा लेना, इसलिए सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। आप डायरेक्टर तो बहुत बड़े बन गए, बट अफसोस कि आप इंसान बहुत छोटे रह गए। बिल्लू चंपत। यस मैडम। उम्मीद है अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी लिखो या कुछ भी क्रिएट करोगे तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे, कॉपीराइट बहुत जरूरी है। राइट। और मिस्टर बुलबुल पांडे, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बिल्लू की बेगुनाही साबित कर देंगे, सो हमने कर दिया, अब छोड़ दीजिए इसे। ठीक है SHO हसीना, ये जीत भी आपके खाते में चली गई, लेकिन याद रखिएगा असली लड़ाई अभी बाकी है, बेस्ट थाना प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे, और इसे धमकी मत समझिएगा, चेतावनी दे रहे आपको। एक सलाह हम भी देना चाहते हैं आपको बुलबुल पांडे, ये जो आप हमारे महिला पुलिस थाना पे बार बार चोच मारते रहते हैं ना, इसे बंद कर दीजिए। बहुत कर लिया हमने आपका सम्मान, हमारा दिमाग घूम गया ना, ऐसा बुलबुल उड़ाएंगे कि जिंदगी भर फड़फड़ाते रह जाओगे, समझ रहे हो? ये भी हम चेता आ रहे हैं। जय हिंद बिल्लू। जय हिंद। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। आज फिर से मुझे एहसास हुआ है कि ये बिल्लू चंपत अकेला नहीं है, उसके साथ ये महिला पुलिस थाना का पूरा परिवार है। बिल्लू चंपत, तुम हमारे परिवार का हिस्सा उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जीने का फैसला लिया। और वैसे भी बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, बात थी इंसाफ की, बात थी हक की, हमने तो बस अपना काम किया और जो हमेशा से करते आए हैं, हर केस को अपना फर्ज समझकर नहीं अपना धर्म भी समझकर निभाते आए। इसलिए तो हमें लगता है थाना प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये महिला पुलिस थाना ही है। मैडम सर, कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कहना पड़ रहा है, ये बुलबुल पांडे ऐसा होने नहीं देगा।
मैंने देखा है वो एकदम सोच समझ कर एकदम प्लानिंग के साथ अपने थाने में FIR लिखना कम कर दिया है। कम क्या, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। पर ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि जब पहले हमारे थाने में केसेस नहीं आते थे तो हमारा थाना बंद होने जा रहा था, अब उनके थाने में केसेस नहीं आएंगे तो उनका थाना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है संतू। ये प्रतियोगिता जीतने का पहला चरण है कि थाने में FIR ही नहीं आ रही है। जिस थाने में FIR नहीं आ रहा है मतलब उस क्षेत्र में क्राइम रेट कम है, और अगर क्राइम रेट कम है मतलब वहाँ का कानून व्यवस्था एकदम चौकस है, मतलब वहाँ का पुलिस जो है एकदम अव्वल नंबर पर काम कर रहे हैं। समझ रही हो बात को? ये चल रहा है उसके दिमाग में, इसलिए उसने FIR लाना बंद करवा दिया है। पर ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि जो जेन्युइन केसेस आ रहे हैं उनकी तो FIR रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी, ये तो आम आदमी का अधिकार है। इसका मतलब हम लोग ही थाना प्रतियोगिता हार जाएंगे का मैडम सर? नहीं नहीं नहीं, तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, फिर रिपोर्ट कम लिखते हैं। नहीं, हर केस को पूरी ईमानदारी से ही सुलझाएंगे, मगर कोशिश करेंगे कि कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो। बिल्कुल नहीं, हमारा ये महिला पुलिस थाना दिल जीतने के लिए खुला है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। मगर मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, हम अपने काम काज में अपने तौर तरीके में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। एक कंपटीशन जीतने के लिए हम अपना जमीर नहीं हार सकते। क्लियर? जी मैडम सर।